गुड इवनिंग एवरी वन दिल से बहुत सारा शुक्रिया नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव में लेटर स्टार्ट दिस ऑन दिस नोट सो वी आर अ फैमिली ऑफ मतलब फैमिली हमारी बहुत बढ़िया करोड़ों में <laughs> लेकिन अपने नंबर्स तो अपने होते हैं। तो, 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 जो हमारा दूसरा चैनल है द सोशल मतलब दूसरा चैनल जो हमारा अपना है सोशल रें उस चैनल पर एक लाख सदस्य कंप्लीट हुए सदस्यता में आप भी हिस्सा ले सकते हैं तो इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी अर्थ बनाओ छोड़ो बनाओ छोड़ो <laughs> तो फाइनली समथिंग जिसे आप कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा तो वी आर अ फैमिली ऑफ वन हंड्रेड थाउजेंड पीपल इस 500 हो रहे हैं जल्दी तो अब तो यह है कि अब माइल स्टोन गाड़ते चलना है ठीक है साथ में

ठीक <laughs> है इतना छोटा सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन होता है यार छोटा बड़ा क्या मतलब लेट अस स्टार्ट विद दिस नाउ क्योंकि होता है क्या वाले बच्चों क्लास दस बजे तक चलती रहती चलती रहती है सुबह स्कूल जाना रहता है बेचारे बच्चे ठीक है तो आज हमारे पास चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन ज्योग्राफी पूरा भारत बैठे बैठे घूम लोगे ठीक है तो पूरा भारत बैठे बैठे घूमते हैं आज इस उपलक्ष में किस उपलक्ष में आ, ये हमारा ये जो है क्या बोलते हैं हंड्रेड मिलियन हंड्रेड मिलियन बोल रहा हूँ तो हंड्रेड थाउजेंड सब्सक्राइबर्स की जो फैमिली हो गई है तो इस उपलक्ष में आज हम क्या करते हैं ये चैप्टर शुरू करते हैं और ये चैप्टर राम राम भाई सारिया ने आज है हम हमारे टेन डे हार्ट के डे नंबर सिक्स पे जहां पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इस चैप्टर को हम पूरे एक घंटे के अंदर-अंदर डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा चैप्टर पूरा रिवाइज करवाऊंगा आपको बस अपनी किताब लेकर बैठना है हियर वी गो शुरू करें बताओ शुरू करें अब जल्दी एक आएगा छोटा सा सिल्वर प्ले बटन तो उसकी अनबॉक्सिंग में फिर अपन क्यू एंड ए रखेंगे ठीक है लेट अस होप कि जल्दी आए पिछला वाला आते-आते आई गेस पिछला वाला स... अनबॉक्सिंग तब हुई थी जब टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड हो गए थे पार्टी पार्टी बिल्कुल आप फ्री हो पार्टी देने के लिए पीपल आर एब्सोल्युटली फ्री खूब पार्टी दो कहां दे रहे हो मुझे बताओ मैं आता हूं ठीक है शुरू करते हैं डाउट सेशन कब आएगा डाउट सेशन भी जल्दी लाएंगे

मतलब नो डाउट वी आर दी पीपल इन मेकिंग ऑफ द नेशन लेकिन हमारे अलावा हमसे पहले प्रकृति है तो उसमें ये बताए गए हैं अब पुरानी एनसीईआरटी जो थी तो पहले सिलेबस में और भी बहुत सारा पार्ट था मेकिंग ऑफ हिमालयन माउंटेन्स नदन प्लेन्स पेनसुला प्लेटू ये सारी चीजें भी थी उसमें कि वो कैसे बने हैं ठीक है तो अब वो एनसीआर से हटा दिया गया लेकिन आउट ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़ना चाहो और मैं कहूंगा पढ़ना चाहिए मेरे पुराने वीडियोस जो हैं ठीक है थीके? कहा है आपको पता ही है तो उन वीडियोस पे आपको क्या मिलेगा उन वीडियोस पे आपको वो पुरानी NCRT, NCRT वाला एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगली चीज द सोशल ट्रेंड्स पे हम ये बनाएंगे सारी चीजें की ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है उसमें कि कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ हिमालय का और ये सारी चीजें ठीक है तो आप अगर शुरू कर दे तो ये चैप्टर की रूपरेखा है ये चैप्टर की रूपरेखा है कि आप ये सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स जो हैं इन सभी फिजियोग्राफिक फीचर्स को इन सभी फिजियोग्राफिक फीचर्स को हम क्या करने वाले हैं एक एक करके डिटेल में समझेंगे ठीक है इस सवाल के साथ में शुरू करते हैं पोल हाजिर हो ठीक है द्वाब मतलब क्या होता है बाबू देखो दो रिवर्स हैं दो रिवर्स के बीच की जो लैंड एरिया रहती है ना दो रिवर्स के बीच का जो लैंड रहता उसे है उसे द्वाब कहते हैं दो नदियों के बीच की जगह को दो ठीक है द नदन प्लेन इज फुल ऑफ ठीक चलो पी से पार्टी और पी से पटना ठीक है चलो शुरू किया जाए कार्यक्रम

पर्वतों की श्रृंखला इंडिया के नॉर्थ पार्ट में जैसे अगर आप देखेंगे ज़्यादा नीचे हो गए तो, तो हिमाद्री हिमाचल तो है, है और इन तीन रेंजेस से हिमालयन माउंटेन सिस्टम बनता है जो कि कंट्री का एक मेजर पार्ट है कंट्री में ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो पूरा का पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं ठीक तो है तो यंग फोल्ड माउंटेन कैसे बने हैं तो यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई फोल्डिंग होती है और फोल्डिंग के कारण ये फोल्ड माउंटेन बने हैं यंग है यंग क्यों है यंग इसलिए है क्योंकि वो क्या है अभी रिलेटिवली नए हैं जैसे पेनसुला प्लेटू की ये नए हैं तो यंग फोल्ड माउंटेन है वन ऑफ़ दी मोस्ट रग्ड टेरेन इन दी वर्ल्ड ठीक है सब ऊंचे हैं बहुत सबसे ज्यादा ऊंचे हैं ठीक है सबसे ज्यादा ऊंचे है बात करें तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है तो ये माउंटेन रेंजेस जो है उल्टी बना दी मैंने ठीक है ये माउंटेन रेंजेस जो है तो ये माउंटेन रेंजेस कितना 2400 किलोमीटर लंबी है तो ठीक है 2400 किलोमीटर लंबी है एंड उनकी जो विथ की बात करें ना हम उनकी जो विथ की बात करें तो उनकी विथ क्या है उनकी विथ जो है चार सौ किलोमीटर तक है विथ 400 किलोमीटर तक है इन विथ इज 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड इज 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश आते आते वो जो तो विथ 150 किलोमीटर है ठीक है तो यहां पे आपको चीज समझना होगा कि दे आर फोर किलोमीटर लॉन्ग ज फ्रॉम फोर हंड्रेड किलोमीटर इन कश्मीर टू वन हंड्रेड फिफ्टी किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है ये हिमालय माउंटेन का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया रिकॉल करते चलना इन सारी चीजों से फिर क्या हो रहा है अब जैसे अगर आप देखोगे तो हिमालय माउंटेन में क्या तीन रेंजेस है कुछ बच्चे बोलते सर आपने बताया था लेटा हुआ लेटीटीटूड. तो ये तो लैटीट्यूटनल एक्सटेंट होना चाहिए ना लेकिन आप यहाँ पे समझने में गड़बड़ करते हो क्या हो रहा है कि ये अगर अर्थ है और अर्थ में ऐसे हैं ठीक है तो इस रेंज में चल रहे हैं मतलब ऐसे देखोगे तो एक रेंज दूसरी रेंज तीसरी रेंज तो वर्टिकली देखा जाएगा ना उनको को वो चल जरूर लैटिट्यूड के फॉर्म में देखने को मिल रही है आपको बट उनका एक्सटेंट जो है तो वह ऐसा है ना लॉन्गिट्यूटनल एक्सटेंट इसलिए लिखा जाता है समझ गए क्यों लॉन्गिट्यूटनल एक्सटेंट लिखा जाता है वेरी लो वॉइस सर हो ही नहीं सकता एक सेकंड रुक जाओ संदीप वॉइस लो नहीं है एक सेकंड रुक जाओ अभी ठीक है आई गेस नाउ इट्स गुड आई गेस नाउ इट्स फाइन ठीक है अभी ठीक है हाँ मैं विजिबल था ही नहीं तो अब 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 आवाज ठीक है ठीक है चलो तो संदीप भैया भाग लिया बार बार ठीक है तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो हिमालय है थ्री नेमली अब आगे बढ़े अगर तो हिमाद्री की बात करें हिमाद्री क्या है जो मैंने आपको बताया इनर मोस्ट रेंज हिमाद्री है हिमाद्री को ग्रेटर हिमालयास भी कहा जाता है ठीक है हिमा हिमाद्री इसको ग्रेटर हिमालयास भी कहा जाता है इनर हिमालयास भी कहा जाता है और हिमाद्री भी कहा जाता है ठीक है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंटिन्यू है पीक जो सबसे ऊंचे ऊंचे पीक इसी में है स्नो बाउंड रहते हैं पूरे समय हिमाद्री रेंज जो है अंदर वाली रेंज जो है वो स्नो में ढकी रहती है ठीक है तो ये सारा सब कुछ क्या हो गया हिमाद्री का हो गया इट इज मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टियस्ट पीक एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है ठीक है रग्ड मतलब क्या है बहुत पथरीली सी जमीन है ठीक है रग्ड मतलब बहुत पथरीली सी जमीन है देखो क्वालिटी का सिंपल सा खेल रहता है कि आप क्या कर सकते हो अपने एंड पे क्वालिटी को एनहांस कर सकते हो ठीक है क्वालिटी आपके एंड पे मेरे फुल स्ट्रीम तो होता है क्या है? क्लास आगे बढ़ने दोगे कि नहीं ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर हंड्रेड के सब्सक्राइबर्स ठीक है आप लोगों का प्यार ऐसे बना रहे तो अभी आगे निकल जाएंगे देखो तुम ठीक तो, है हिमाद्री समझ में आया तीन रेंजर्स हिमाद्री जो है मोस्ट लॉफ़िएस्ट पीक है मैं इसीलिए पता है जो डिटेल लेक्चर रहते हैं तो उन्हें रिकॉर्डेड लेना पसंद करता हूं क्योंकि लाइव में ये वाले पार्ट पे समय बहुत जाता है लेकिन अब ये है कि लाइव अभी हमारे पास लाइव के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है चल क्यों नहीं रहा है चल रहा है तुम्हें सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, तो थम्स अप दो क्योंकि मेरे एंड पे अटक गया है वीडियो कल एग्जाम है में अप इफ एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन लॉफ्टी मतलब ऊंचे होते बाबू ऊंचे हाँ ठीक तो है चलो ठीक 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 तो हिमाद्री माउंटेन रेंज होगी। गई कंटिन्यूज है लॉफ्टीएस्ट है सिक्स थाउजेंड मीटर की हाइट एवरेज है इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स तो जो हिमालयन पीक्स है प्रोमिनेंट ठीक है जैसे अब माउंट एवरेस्ट और ये सारी पीक्स की जो बात करें ठीक है माउंट एवरेस्ट नंगा पर्वत नामचा बरवा ये सारी पीक जो है ठीक है के टू ये सब किसका पार्ट हो गई ये सब जैसे देखेंगे हिमाद्री का पार्ट हो गई है ठीक है बीच वाली रेंज जो है जिसे मिडिल भी कहा जाता है जिसे हिमाचल भी कहा जाता है हिमाचल हिमालयाज है तो बीच वाली रेंज है उसमें जो हिमाद्री और हिमाचल के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है ठीक है इस रेंज में आपको बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिल जाएंगे ठीक है तो इसका जो एल्टीट्यूड है मतलब जो हाइट है वो वेरी करती है 3,700 मीटर से लगा के 4,500 मीटर के बीच में एवरेज विथ जो है वो 50 किलोमीटर की है 50 जैसे हम देख रहे हैं क्या कि 400 किलोमीटर से लगा के डेढ़ किलोमीटर तक फैला हुआ है पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम तीनों रेंजेस मिला के तो उन तीनों रेंज में से बीच वाली रेंज जो है हिमाचल उसकी एवरेज विथ पचास किलोमीटर पे वो फैली हुई है चौड़ाई 50 किलोमीटर की रेंज है वाइल दी पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स दी लॉन्गेस्ट अब जैसे क्या होता है ना ये हिमालयन रेंज है तो हिमालयन हिमाद्री रेंज में से ब्रेक्स के साथ में तो पीर पंजाल रेंज धौलाधर रेंज महाभारत रेंज ये कुछ प्रोमिनेंट रेंज है सबसे बड़ी रेंज जो है पीर पंजाल रेंज है ये हिमाद्री के बाद में हिमाचल हो गया और जो आउटर मोस्ट लेयर है है ठीक आउटर मोस्ट रेंज जो है जिसका नाम क्या है शिवालिक तो शिवालिक आउटर मोस्ट रेंज है उतनी हाइट नहीं है कैन बी ट्रांसफास्ट इजीली उसके ऊपर लोग चढ़ के उतर जाते हैं अब जैसे कुल्लू मनाली जाता है आदमी तो क्या करता है शिवालिक को क्रॉस करके ही जाता है ठीक है शिवालिक को क्रॉस करके जाता है ना तो दीज रेंजेस आर कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स अब ये शिवालिक रेंज बनी कैसे है सिंपल सी चीज है कि ये हिमाद्री है अगर ये हिमाचल है अगर तो इन सारी रेंजेस से जो बचा हुआ अनकंसोलिडेटेड मलबा है वो डिपॉजिट होते चले गए और लास्ट लास्ट थ्रस्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में ये तीसरी वाली रेंज मिली है जिसकी हाइट रिलेटिवली छोटी है क्योंकि कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से कंपोज्ड है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है शिवालिक ठीक है जिसका नाम है शिवालिक तो ये हो गया हिमाद्री हिमाचल शिवालिक। है उससे ये बनती है शिवालिक रेंज ठीक है तो ये शिवालिक रेंज तीन रेंजेस हो गई है रिकॉल करें अगर मैप पे ठीक है देखो दी लॉन्गिट्यूटनल वैली लाइन बिटवीन दी लेसर हिमालय एंड सॉरी पे है यहां पे हिल स्टेशन है हिमाद्री हिमाचल में ठीक है अब क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे मैं एक, एक के तौर पर बताता हूं कि देखो ये हो गया आपका क्या हिमाद्री हिमालय हिमाचल हो होगा ठीक है ये 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 हिमाचल हो हो गया और गए आउटर मोस्ट रेंज जो होगी शिवालिक ठीक है अब ये शिवालिक और हिमाद्री के बीच में जो लॉन्गिट्यूटनल वैली लाए करती है ठीक है ये जो वैली लाए करती है इस वैली को क्या कहा जाता है इस वैली को डून के फॉर्म में तो जैसे देहरादून ठीक है पाटली दुन कोटली दुन, तो ये ये यहां पे रेंजेस पाई जाती है समझ गए ठीक है ये सारी रेंजेस हो गई अब अगर हम आगे बढ़े तो हिमालय जो है तो के तीन रेंजेस आपने देख ली और ये तीनों रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं अलर्ट तीनों रेंजेस पे क्वेश्चन आते हैं कि तीनों रेंजेस के क्या करते हैं मतलब इस तरह से सवाल पूछ ले जाते हैं कि व्हाट आर दी थ्री प्रोमिनेंट रेंजेस ऑफ हिमालयास ठीक है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल हिमाद्री हिमालयास हिमाचल हिमालयास शिवालिक तो हिमालयास निकले को आ सकते हैं तो आपको वो ध्यान रखना रहेगा अब अगर हम बात करें तो हिमालय हिमालयास जो है तो हिमालय सेक्शन अगर आप ऐसे देखोगे ना हिमालयास को अगर आप ऐसे देखोगे तो ऐसे हिमालयास को फोर सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है एक दो तीन और चार चार सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है इनफेक्ट एक पांचवा सेक्शन भी है जब हिमालयास क्या करते हैं नामचा यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश से क्या करते हैं साउथवर्ड बेंड ले लेते हैं नामचा बरवा से ठीक है साउथवर्ड बेंड ले लेते हैं तो ये साउथवर्ड बेंड जब ले लेते ले हैं ले ले तो यहाँ पे जो ठीक है माउंटेन्स है ये भी एक हिमालयास का ही एक्सटेंशन है जिसे पूर्वांचल कहा जाता है तो ऐसे पांच और सेक्शन से हिमालयास के जिन्हें हम क्या करेंगे जिन्हें हम पढ़ेंगे पांच और सेक्शन से जिन्हें हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन डून्स हाँ डून्स एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं तो जैसे ये माउंटेन रेंजेस हैं ठीक है ये माउंटेन रेंजेस हैं ठीक है ये माउंटेन रेंजेस हो गई इन माउंटेन रेंजेस में जैसे अगर आप देखोगे तो ये हिमाद्री रेंज होगी ये शिवालिक रेंज होगी गई शिवालिक रेंज के और हिमाद्री के बीच में ये जो वैली है वैली क्या होता है कि जैसे ये एक माउंटेन हो गया ये एक माउंटेन हो गया तो इन माउंटेन के बीच में जो वैली एरिया रहता है ना वी शेप्ड वैली एरिया कहा जाता है वी से वैली ऐसे याद रखना तो जो लो लाइंग एरिया रहता है ठीक है वो पूरा का पूरा का एरिया ऐसा बना हुआ इसमें इसमें सेटलमेंट होते हैं लोग रहते हैं तो ये वैली एरिया जो है इन्हें डून कहा जाता है समझ गए इन वैली एरिया कहा जाता है ठीक है सर मैप कर कराएंगे ना हाँ मैप करवाऊंगा सत्ताविस तारीख को या अठावीस तारीख को दोनों में से एक दिन ठीक है शिवालिक आउटर मोस्ट कैसे हुआ वो तो इनर मोस्ट है।, बहुत मुझे पता... देखो, डिटेल में में है समझना आपका घर है तो आपके घर का इनर मोस्ट हिस्सा कौन सा रहेगा अगर गेट ये है मेन गेट तो मेन गेट ये है, तो इनर मोस्ट हिस्सा ये रहेगा आपके घर का ठीक है इनर मोस्ट हिस्सा ये रहेगा तो वैसे ही क्या हो रहा है कि जब हिमालय बने

समझ गए ठीक वेरी गुड तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस हिमालयास को चार सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है वो चार सेक्शंस कौन कौन से हैं? तो शुरू करें अगर तो सबसे पहले होता है पंजाब हिमालयास ठीक है जो मैंने आपको बताया ना कि अभी ड्रॉ करके बताया था कि हिमालय को चार सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं तो पहले आते हैं पंजाब हिमालयास रिवर के हिसाब से तो इंडस रिवर से लगा के जो सतलज रिवर तक की कहानी है ठीक है इंडस से सतलज के बीच में पंजाब आ गए कुमाऊ हिमालया दूसरे आते हैं तो वो जो सतलज सतलज रिवर रिवर है से लगा के काली रिवर तक कुमाऊ होते हैं सतलज से काली रिवर तक कुमाऊ हिमालयास हो गए ठीक है कुमाऊ हिमालयास तीसरे पे क्या जाएंगे नेपाल हिमालयास तो काली हिमालया से लगा के सॉरी काली रिवर से लगा के सतलज रिवर से लगा के काली रिवर के बीच में कुमाऊ हिमालयास काली रिवर से लगा के तीस्ता रिवर तक ठीक है तीसरा रिवर तक आते हैं आपके नेपाल हिमालयास और तीसरा से लगा के आप जैसे कहां तक जाओगे तीसता से लगा के ब्रह्मपुत्रा तक जाओगे ठीक है जिसे दिबांग कहा जाता है ठीक है जब चाइना से होकर आते तो सांगपो कहा जाता है चैप्टर थ्री ड्रेनेज पढ़ेंगे हम छब्बीस तारीख को या पच्चीस तारीख को जब भी यह टाइम टेबल में देखना तब आपको यह ड्रेनेज चैप्टर में और समझ में आएगा क्या कि एक रिवर ऊपर से पैरल चाइना से फ्लो होते आ रही है सांगपोराम से और वो इंडिया में जब एंटर करती है उसका नाम रहता है दिबांग

फिर काली रिवर से तीसरा रिवर तक ये नेपाल हिमालयास हो गए और तीसरा रिवर से दिबांग रिवर तक जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर आगे बनती है जो वहां असम यहां से हिमालय भी साउथवर्ड मुड़ जाएंगे ठीक है यहां से हिमालयास भी साउथवर्ड मुड़ जाएंगे तो यहां से मुड़ गए साउथवर्ड तो साउथवर्ड हिमालयास मुड़ने के बाद में पूर्वांचल कहलाते हैं या फिर उन्हें ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स कहा जाता है ठीक है तो ये होगा आपके क्या बियॉन्ड दिहांग बियॉन्ड दियांग जॉर्ज दिमालयास बेंड शार्पली टू दी साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग दी बाउंड्री ऑफ इंडिया करते चलना है हा? तो पूर्वांचल पूर्वांचल हिमालयासराइज ऑफ पटकाई हिल्स नागा हिल्स मणिपुर हिल्स मीजो हिल्स ये सारी हिल्स आ जाएंगे समझ गए यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट में डिफरेंस ये होता है कि यूनियन टेरिटरी जो रहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड टेरिटरी होती है जो किसी एक स्टेट में मर्ज नहीं की जा सकती है ना ही स्टेट हुट दिया जा सकता है इतनी बड़ी होती है तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है और स्टेट आर दी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री फिर वाई दी प्रोविंसेज आर हैविंग ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टैक्सेशन तो वह स्टेट हो जाता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह उस जगह की स्पेसिफिक गवर्नमेंट होती है जो कुछ इशूज को देख रही होती है पूर्वांचल किस किस स्टेट में तो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम इन स्टेट्स में है पूर्वांचल ठीक है ये हो गया ठीक <coughs> आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अब ये हिमालयास का मैंने आपको बता दिया तीन रेंजेस और ये एक चौथी रेंजेस ये हिमालयास का मैंने बता दिया जस्ट गिव मी सेकेंड तीन रेंजेस और एक चौथी रेंज बता दी मैंने आपको तीन रेंजेस और एक चौथी रेंज बता दी है अब आप इस सवाल का जवाब दो पोल आ रहा है पोल आ रहा है इस सवाल का जवाब दो ठीक है तो अब जैसे अगर आप देखोगे क्लाइमेट अभी अभी सीरीज में नहीं आए हिमालयस हमारे कंप्लीट हो गए तीस्ता को टी आई एस टी ए भी लिखा जा सकता है कहीं कहीं और कहीं कहीं टी डबल एस टी ए भी होता है अब हिमालय के बाद में एक फिजियोग्राफिक फीचर कंप्लीट हुआ दूसरा फिजियोग्राफिक फीचर जो है आपका नदन प्लेन्स है, ठीक है नदन प्लेन्स। तो हिमालय से जस्ट सटा हुआ जैसे ये एक फिजिकल फीचर हो गया आपका हिमालय हिमालय के जस्ट साउथ में नदन प्लेन से हिमालय के जस्ट साउथ में नदन प्लेन ज क्या होता है देखो मैं बताता हूं आपको कि जब दो माउंटेन के बीच में आपको क्या देखने को मिलता है कि डीप वैली में रिवर फ्लो कर रही होती है तो वो जॉर्ज बनाती है तो दिहांग जॉर्ज मतलब उन्हीं पर्वतों के बीच से एकदम गहराई से बहते हुए आती है तो उसे दिहांग कहा जाता है समझ गए गॉट इट चलो तो ये अब आपसे पूछ रहे हैं दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो पोल आ गया है टाइम अप बी उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर तो नदन प्लेन जो है

तो जैसे कुछ स्टेट्स में उत्तर प्रदेश में 320 किलोमीटर तक फैला हुआ है 320 से लगा के 240 किलोमीटर ब्रॉडनेस में ये प्लेन एरिया है जो कि 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है कंट्री का नदन प्लेन कहलाता है ठीक है अब इस नदन प्लेन की खासियत क्या है पता है नदन प्लेन इज फुल ऑफ रिवर्स नदियाई नदियां नदन प्लेन में नदियाई नदियां भाई साहब ठीक है तो द रिवर्स एंटिंग फ्रॉम नदन माउंटेन्स आर एसोसिएटिंग विदोजिशनल वर्क नदन प्लेन बना ही हिमालयन माउंटेन के हिमालयन माउंटेन से आ रही रिवर्स के डिपोजिशनल वर्ग से बताऊं कैसे बना है दो मिनट में बता देता हूं देखो कि हिमालयन हिमालय माउंटेन्स हिमालय माउंटेन है ठीक है अब इन हिमालयन माउंटेन रेंजेस से क्या रिवर्स उतर के आई ठीक है बहुत सारी रिवर्स है जैसे हमने देखा काली सतलज ठीक है सारी रिवर्स कुछ रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग हो गई अंबाला वाटर डिवाइड से कुछ रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग हो गई तो अब ये जो रिवर्स आई ये रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती थी पहाड़ से पूरा इरोजन करते तोड़ फोड़ मिट्टी लेके आती थी और रिवर क्या करते चले गए यहाँ पे डिपॉजिट करते चले गई ठीक है तो वो इरोडेड मुझे पता है तुम लोगों के कान में बहुत गंदी आवाज आ रही होगी टक 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 लेकिन सुनो तुमने ठीक है तो ये क्या है ये पूरा इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट होते चले गया हिमालयन माउंटेन्स के पैरल में ही साउथवर्ड ठीक है हिमालयन माउंटेन्स के साउथ में तो ये जो ट्रैक बना ये क्या था माउंटेन बने ऐसे डिप्रेशन था उस गड्ढे में पूरी मिट्टी डिपॉजिट होते गई तो ऊपर से देखने में फ्लैट प्लेन एरिया दिख रहा है प्लेन एरिया विच इज फुल ऑफ डिपॉजिटेड मटेरियल बाय द रिवर्स विच एंटरिंग इन दी नदर प्लेन एंड ब्रिंगिंग डिपॉजिटेड पार्टिकल्स फ्रॉम हिमालयन माउंटेन्स ठीक है तो ये क्या कहलाया ये क्या कहलाया

भांगर कहलाता है रिवर जब आती है तो रिवर क्या करती है रास्ते में अपने ऐसे मोड़ घोड़ बनाती है है बहुत सारे लूप्स उन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना मैं रिविजन करवा रहा हूं मियांडर्स कहा जाता है अब ये कोई मियांडर मान लो रिवर ने ऐसा एक रास्ता बना के चल रही थी एक रिवर अब एक समय पर क्या होता है एक समय पर यह होता है कि रिवर रास्ता बना के चल रही थी एक समय पर रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया ऐसा

तो वो अपना पानी ट्रिब्यूट कर रही है तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी मियाडर्स ऑक्सबोलेक्स ये सारे फीचर्स आपको नदन प्लेन में देखने को मिल जाएंगे और जब रिवर अपने एकदम लास्ट कोर्स पे होती है रिवर समुद्र में मिलने वाली है और समुद्र में मिलने से पहले रिवर अपने बहुत सारे चैनल्स रिवर ये आ रही है रिवर आ रही है समुद्र में मिलने से पहले इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकाल लेती है से बहुत सारे क्या कर लेती है अपने आप को बहुत सारे चैनल्स में स्प्लिट कर लेती है तब वो क्या बनाती है समुद्र में मिलने से पहले जब वो इस तरह से स्प्लिट करती है तब वो क्या बनाती है चैट तब वो क्या बनाती है वेरी गुड रामपाल वेरी गुड तब वो बनाती है डेल्टा ठीक है तब क्या बनता है डेल्टा बनता है फ्लड प्लेन्स मतलब जहां पे नदी जब बारिश के समय बाढ़ आती है और नदी अपना पानी भराव करती है वो फ्लड प्लेन कहलाते हैं ठीक है थीके? तो वो नदी समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स पता चल गए क्या क्या बनते हैं नदन प्लेन के अंदर ठीक है अब नदन प्लेन इज फुल ऑफ जैसे देखोगे तो जैसे एक गंगा रिवर है ये यमुना रिवर है गंगा और यमुना दोनों मिलती है कहां पे प्रयागराज में नोन तो प्रयागराज में जब गंगा और यमुना दोनों मिलती है तो उनके बीच में जो इतनी बड़ी जमीन है तो ये जमीन क्या कहलाती है पता है गंगा यमुना

रिवर्स जो है आब मतलब पानी होता है तो पानी के बीच की जमीन दो जम, दो नदियों, की की जमीन, नदियों के बीच की जमीन दोआब कहलाती है पंजाब दोआब ठीक है पांच नदियों के बीच की ठीक तो ये हो गया प्लेन प्लेन के स्ट्रक्चर को बता मैंने अब नदन जो है ना तो नदन प्लेन है फोर रीजन विद डिफरेंट रिलीफ फीचर नदन प्लेन में चार रीजन है मैं आपको पूरा विजुअलाइज करवा रहा हूं नदन प्लेन में चार रीजन है तो जैसे जो पूरा नदन प्लेन आप देखोगे ठीक है ये देखो आ जाओ पूरा नदन प्लेन जैसे अगर आप देखोगे तो नदन प्लेन में चार रीजन है नदन प्लेन क्या है तो ये हिमालयन माउंटेन है हिमालयन माउंटेन्स के पैरल है। है। तो कोशिश करना हाँ विजुअलाइज करना कि ये हिमालयन माउंटेन है हिमालय से जैसे ही ये वाला जो रीजन रहेगा हिमालय से एकदम सटा हुआ ये रीजन कहलाता है भाबर रीजन बी एच ए बी ए आर भाबर भांगर नहीं कह रहा हूं मैं ध्यान रखना

तो वही चीज क्या है कि बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं वो बड़े बड़े बोल्डर्स इस तरह के रहते हैं तो अब नदी क्या है इन पत्थरों के बीच से बहती हुई निकल जाती है तो स्ट्रीम्स ऑलमोस्ट इन दिस रीजन भावर रीजन में ऐसा लगता नदी है ही नहीं क्यों क्योंकि नदी पत्थरों के नीचे से बह के निकल रही होती है तो नदन प्लेन में भाबर रीजन होता है अब ये बाबर रीजन के बाद में थोड़ा और आए आप आगे थोड़ा और आगे आए तो भाबर के बाद में तराई रीजन आता है मतलब जहां पत्थरों का आना बंद हो जाएगा

रिवर के एकदम पास वाला रीजन खादर रीजन कहलाता है जहां पे रिवर्स क्या करती? हर साल आती जब अपना हम तो भांगर रीजन मतलब कि वो रिवर बेड से थोड़ा दूर रिवर बेड से थोड़ा दूर वाला रीजन जो रहता है वो भांगर रीजन कहलाता है ठीक है तो भाबर तराई भांगर और खादर ये चार डिवीज़न है नदन प्लेन के ऑन बेसिस ऑफ़ और वैली, जो है न, तो समझो, वैली क्या होता है तो वो जो एरिया है वो वैली कहलाएगा ठीक है और वो कंटिन्यूस वैली जो है तो डून कहलाती है वैलीज आर वैली ऑल्सो नोन डून स्पेसिफिकली आप क्या कह रहे हैं कि हिमालयस के हिमादरी हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो वैली उसे डून कहा जाता है हिमाचल और शिवालिक के बीच की जो वैली उसे डून कहा जाता है ठीक है मुस्कुरा एक बार तेजी से ठीक है तो ये हो गया हमारा क्या पूरा का पूरा जो थ्योरी पार्ट था वो जो मैं आपको बता रहा था कि नदन प्लेन फोर रीजन भावर इट लाइज एट दी फुट ऑफ शिवालिक शिवालिक माउंटेन रेंज सटा हुआ रोन किलोमीटर अपने बाढ़ का पानी पहुंचा देती है पहुंचा देती है इसी कारण से वहां पे हर साल नया मटेरियल डिपोजिट होता है जिसे हम खादर कहते हैं यंगर एल्यूवियम ऑफ फ्लड प्लेन्स तो फ्लड प्लेन में हर साल रिन्यू होती रहती है मिट्टी वो इसीलिए फर्टाइल होती है खादर

जो कि फर्टाइल है तो वो क्या कहलाता है जो कि फर्टाइल है तो वो खादर कहलाता है ठीक है ठीक है जो कि फर्टाइल है वो खादर कहलाता है समझ गए हाँ, जैसे घर का पुराना सामान है उसे क्या कहते हैं उसे भंगार कहते हैं तो पुरानी एल्यूवियल सॉइल जो है वो भांगर कहलाएगी रिवराइन आइलैंड रह गया वेरी गुड अच्छे से गेस कर लिया आपने नदन प्लेन में एक और फीचर होता है क्या कि जैसे एक रिवर है ये ये पूरी रिवर है ठीक है बहती चलू उड़ती उड़ती तो नहीं है तो बहती चलू मस्त जमीन पे ठीक है और इस रिवर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो डिपोजिट होते जा रहे हैं मान लो अगर रिवर के बीच में ही रिवर बेड के बीच में डिपोजिट हो गए ये अगर के बीच में ही हो तो ये अगर के बीच में ही हो तो इन रिवर के अंदर ही बने ना तो ये आइलैंड बन गया इसे रिवराइन आइलैंड कहा जाएगा ठीक है मैप में क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का स्पेसिफिक मैप मैंने करवा दिया है जिन्हों के एग्जाम आ रहे हैं तो पहले वो देख लेना जिनके थोड़े एग्जाम में समय है तो एक बार ये सारे चैप्टर्स हो जाने तो मैं सारे चैप्टर्स के एक साथ मैपर करवा दूंगा हाफ ईयरली वाले के ठीक है चलो संदीप तुम अब यहां से उठ के जाओगे तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे बच्चे चैट में लिख रहे हैं। सर, वो जाते हैं तो हमें अपॉइंट कर लो ठीक है ठीक है रिवराइन आइलैंड ठीक है चलो तो ये रिवराइन हो गए आपके ये रिवराइन आइलैंड हो गए फाइन तो रिवराइन आइलैंड भी एक फीचर होता है जो रिवर के बीच में द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन वर्ल्ड ठीक है अब आपने देख लिया स्ट्रक्चर के हिसाब से तो नदन प्लेन को डिवाइड कर देते हैं उसके साथ साथ एक और चीज क्या है कि नदन प्लेन जो है तो नदन प्लेन को अब ब्रॉडली तीन और सेक्शन में भी डिवाइड कर सकते हो वो कौन कौन से है? एक है पंजाब प्लेन पंजाब प्लेन मतलब क्या है कि जो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है जैसे ये पूरा नदन प्लेन है ना तो इंडस रिवर झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है उनसे मिलके जो प्लेन बन रहा है पंजाब प्लेन हो गया पंजाब प्लेन के बाद में दूसरा आता है गंगा प्लेन गंगा प्लेन क्या है तो जो घाघर रिवर से लगा के तीस्ता रिवर के बीच का एरिया है पूरा घाघर से तीस्ता के बीच का ठीक है जैसे अगर आप देखोगे तो घाघर रिवर से लगा के ये तीस्ता रिवर तीस्ता रिवर यहाँ ठीक है तो तीसरा रिवर के बीच में तीस्ता रिवर तक का ये जो प्लेन है तो विच लाइज इन आसाम वो ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गए अगर मैप पे एक बार देखना चाहो तो फिर बता देता हूं ये इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज ये रिवर से कौन सा प्लेन बन गया इस रिवर से बन गया आपका ये पंजाब प्लेन ठीक है फिर घाघर रिवर से लगा के तीसरा रिवर तक ये जो है तो घाघा रिवर से तीसरा रिवर तक गंगा प्लेन बन गया और असम में पूरा का पूरा ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर के से लाया करता है ये वाला पार्ट ये ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया या ओ असम प्लेन हो गया ठीक है ब्रह्मपुत्र प्लेन इन दी असम ये ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया ठीक है तीन प्लेन ऐसे भी है ये ध्यान रखना अब आ जाओ पेनिनसुला प्लेटू पे पेनिनसुला प्लेटू काली रिवर को काली क्यों बोलते हैं काली रिवर को काली क्यों बोलते हैं नाम है यार उसका मतलब स्पेसिफिक पॉइंट होगा कुछ ना कुछ मैं भी देखूंगा मैंने कभी सोचा नहीं काली रिवर को काली क्यों बोलते हैं नाम असोसिएटेड है अब देखो कल्चर से जुड़ा होता है जैसे नेपाल से निकलती काली रिवर ये बताता हूं मैं आपको नेपाल इंडिया की बॉर्डर पे है काली रिवर ठीक है इग्नोर नहीं करे बाबू किसी को बहुत सारे मैसेज तो निकल ही जाते हैं लगून जो रहते हैं ना वो अभी आइलैंड पढ़ेंगे जब बताऊंगा लगुन अब आ जाओ पेनन्सुला प्लेटू पे तो अगर हम अभी तक का रिकॉल करें तो हमने माउंटेन की तीनों रेंजेस पढ़ ली हिमाद्री हिमाचल शिवालिक नदन प्लेन पूरा का पूरा नदन प्लेन समझ लिया ठीक है नदन प्लेन पूरा का पूरा समझ लिया नदन प्लेन अब नदन प्लेन, प्लेन पढ़ लिया ठीक है नदन प्लेन के साथ साथ में क्या कर लिया हमने ये पूरा ये माउंटेन रेंजेस पढ़ ली तीनों नदन प्लेन पढ़ लिए अब अगर हम बात करें तो यहां पे ये जो पार्ट है पूरा ये पार्ट होता है पेनेसुला प्लेटू ठीक है पेनेंसुला क्या होता है तो एक लैंडमार्क जमीन है विच इज सराउंडेड बाय वॉटर वाटर वॉटर वॉटर तीन तरफ से अगर लैंडमार्क पानी से घिरा हुआ है तो वो कहलाता है ठीक है क्यों कह रहे हैं और ये पूरा का पूरा एरिया जो है तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ट्रायंगल साथ ही साथ प्लेटू वो एरिया होता है जो टेबल टॉप लैंड होता है टेबल टॉप लैंड मतलब अगर सी लेवल ये है तो सी लेवल से उठा हुआ रहता है अब अगर वो पीक पे रहता है ऐसा तो माउंटेन कहलाता लेकिन पीक नहीं है ऊपर फ्लैट है ऊपर फ्लैट है टेबल की तरह जैसे टेबल क्या होता है जमीन से उठा रहता है ऊपर जाके फिर फ्लैट होता है कभी टेबल को ऐसा ऐसे देखा है नहीं ना तो ये टेबल टॉप लैंड जो होता है तो इसे प्लैटो कहा जाता है तो हमारा ये जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना ये पेनिनसुला प्लैटो है ठीक है ये पेनिनसुला प्लैटो है ये पेनिनसुला प्लैटो है ठीक है ये पेनिनसुला प्लैटो है फाइन तो पेनिनसुला प्लैटो इज अ टेबल लैंड क्रिएटेड बाय ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड अब इसमें एक बहुत पुरानी कहानी है क्या कि पहले पेंजिया था पेंथलासा था ठीक है पेंजिया टूटा पेंजिया मतलब जो जमीन का हिस्सा था पेंथलासा मतलब जो समुद्र का हिस्सा था तो उस पेंथलासा में इंडिया का ये वाला जो हिस्सा था इंडिया का ये वाला हिस्सा ही था क्यों क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बाद में बना ना यंग फोल्ड माउंटेन्स हिमालयास बने हिमालयस के बाद में से नदन प्लेन बना तो नदन प्लेन और हिमालयस तो रिलेटिवली यंग है रिलेटिवली यंग है पुराना हिस्सा यही है तो ये पुराना हिस्सा जो इतना था ना इंडिया का ये एक दो चार साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं करोड़ों साल पुरानी मिलियंस ऑफ ईयर ठीक है जब इंडिया बन रहा था जब लैंडमार्स बन रहा था तो ये वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड का पार्ट था ठीक है तो ये गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था ठीक है तो वो गोंडवाना लैंड का जो पार्ट था ड्रिफ्टिंग के कारण जब वो आ, बना तो वो क्या पेनसुला प्लेटू था ठीक है वो पेनसुला प्लेटू आप क्या कहेंगे कि ओल्डेस्ट लैंड मास है पेनसुला प्लेटू क्या है ओल्डेस्ट लैंड मास है हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू डिविजन और ये जो प्लेटू है तो प्लेटू को दो हिस्सों में बांट सकते हो आप एक प्लेटू का ये सेंट्रल प्लेटू वाला पार्ट हो गया और एक हो जाएगा डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट ठीक है पूरा दोनों मिलके एक साथ पेनिनसुला प्लेटू कहलाता है इसके अंदर दो डिविजन है एक सेंट्रल हाइलैंड सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है एक सेंट्रल हाइलैंड और दूसरा जो है तो वो ट्रायंगुलर पार्ट जो है उसे क्या कहा जाता है डेक्कन प्लेटू कहा जाता है एक सेंट्रल हाईलैंड है एक डेक्कन प्लेटू है एक सेंट्रल हाइलैंड है और एक डेक्कन प्लेटू है ठीक है अब जैसे अगर आप देखो तो सेंट्रल हाइलैंड जो है ना तो सेंट्रल हाइलैंड क्या सेंट्रल हाईलैंड ठीक अब मैं सेंट्रल हाइलैंड पूरा आपको रिकेप करवा रहा हूं एक स्टेटमेंट में अच्छे से करना क्या हो रहा है कि दो पार्ट है पेनेंसुलर प्लेटू में ये डेक्कन प्लेटू इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं ऊपर वाला पार्ट जो है नर्मदा रिवर है

ठीक है सेंट्रल हाइलैंड बनाते हैं विंध्या है नर्मदा है और उसके नीचे एक माउंटेन सतपुड़ा ठीक है तो ये सब मिलके सेंट्रल हाइलैंड बनाते हैं ध्यान आ गया सेंट्रल हाइलैंड पूरा पूरा सेंट्रल हाइलैंड ध्यान आया बताओ ओ, गेमिंग, पकड़ लिया तुम्हें थप्पा एक दूसरे को आई लव यू आई लव यू लिख रहा पड़ा पेंजिया, पेंजिया मतलब क्या होता है जब अर्थ बन रहा था तो ऐसा थ्योरी है कि पूरा अर्थ पानी में था और एक लैंडमार्क था जिसको पेंजिया कहा जाता था और पूरा वाटर वाला जो हिस्सा था उसे पेंथलासा कहा जाता था उस उसपे ज्यादा जोर मत दो अभी ठीक है ठीक है तो एक बार और चलो वंस मोर एक बार और हो जाए तो क्या हो रहा है कि जैसे अगर आप देखोगे पेनसुला प्लेटू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एक है डेक्कन जिसे अभी हम पढ़ेंगे दूसरा जो है वो है नर्मदा रिवर के नॉर्थ में लाई करने वाला ये सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल हाईलैंड जो है तो सेंट्रल हाईलैंड में मालवा प्लेटू है वेस्टर्न पार्ट पे ये मालवा प्लेटू हो गया आपका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में उसे लोकली बुंदेलखंड बघेलखंड कहा जाता है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो छोटा नागपुर प्लेटू है ठीक है यही छोटा नागपुर प्लेटू जो है तो एक ड्रिफ्ट के बाद में यहां पे एक्सटेंशन है जैसे गारो खांसी जयंतिया हिल्स तो वो भी सेंट्रल हाइलैंड का ही पार्ट है डेक्कन प्लेटू का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है आ, गारो खांसी जयंतिया हिल्स को ठीक है विंध्याचल एक माउंटेन रेंज है

जैसे विंध्या विंध्याचल माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट होती है या फिर आप देख लो क्या कि यहां जो एक अमरकंटक प्लेटू है वहां से नर्मदा ओरिजिनेट होती है ठीक है तो ये रिवर्स जो है तो दे डू नॉट कैरी मच वाटर ठीक क्यों क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर रेगुलर नहीं है सीजनल रिवर है और वो रिवर फ्लो किधर करती है तो इस तरफ स्लोप जो है ना तो साउथ तो वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप है तो ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए जाती है ठीक है सेंट्रल हाईलैंड की रिवर्स वहीं पे डेक्कन प्लेटू जो ट्रायंगुलर लैंड मास है लैंड मास है ये डेक्कन प्लेटू कहलाता है इस लैंड मास में आपको देखने को मिलेगा कि रिवर्स जैसे गोदावरी कृष्णा कावेरी ठीक है ये सारी रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो करती है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है और ईस्टवर्ड फ्लो करते जाती है स्लोप इस तरफ है ईस्टवर्ड स्लोप है ठीक है ये जो प्लेटू है डेक्कन इट मेड अप ऑफ क्या कहेंगे आपको तो इरप्शन से बना है पूरा ठीक है समझ गए चलो तो ये सारी रिवर्स हो गई डेक्कन प्लेटू की डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंडमार्क दैट लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा ठीक है

वेस्टर्न घाट किस तरह की रेनफॉल करवाता है पोल वेस्टर्न घाट किस तरह की रेनफॉल करवाता है थ्री टू वन अप ठीक है तो वेस्टर्न घाट किस तरह की रेनफॉल करवाता है है। मतलब क्या होता है पता है? मतलब जो बारिश जो बारिश किस कारण से हो रही है तो अरेबियन सी से एयर मासेज एयर पार्टिकल्स आते हैं अरेबियन सी से एयर पार्टिकल्स आते हैं और वो एयर पार्टिकल्स को क्या करना पड़ता है यहाँ माउंटेन है माउंटेन तो चढ़ना पड़ता है तो ये माउंटेन है यहाँ से एयर पार्टिकल्स आएंगे माउंटेन चढ़ेंगे तो इन दिस प्रोसेस दे कंडेंस सेचूरेट uh, हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं तो जो माउंटेन के कारण बारिश हो रही है तो उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है ठीक तो है तो वेस्टर्न घाट ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है ओरोग्राफिक रेनफॉल ठीक है साइक्लोनिक रेनफॉल मतलब साइक्लोन के कारण जो रेनफॉल होती है कन्वेंशनल uh, रेनफॉल मतलब क्या जो कन्वेक्शनल करंट उठते हैं जो धूप पड़ती है एयर मार्स ऊपर उठती है सेचुरेट होती है कंडेंस होती है प्रेसिपिटेट होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल ठीक है

तो जो दो माउंटेन के बीच में एक ये वैली टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे पास कहा जाता है। तो दे कैन बी ओनली निकल सकते हो क्योंकि अनाईमुडी और दोडा बेटा ठीक है और जिसकी हाइट कितनी है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी फाइव पीक वेस्टर्न घाट का पैरल में अगर आ जाओगे आप क्या ईस्टर्न घाट तो ईस्टर्न घाट जो है क्या है वो वो कंटिन्यूज नहीं है ईस्टर्न घाट जो है इेगुलर है कैसे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे ईस्टर्न घाट है फिर उनके बीच में एक रिवर ने डेल्टा बना दिया गोदावरी ने फिर यहां घाट है कृष्णा ने बना दिया फिर यहां घाट है फिर कावेरी ने डेल्टा बना दिया तो वो कंटिन्यूज नहीं है बीच बीच में से रिवर्स क्रॉस करके जा रही है तो वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन दी ईस्टर्न घाट्स ठीक है ये पॉइंट उधर जाना चाहिए था ठीक है वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन दी ईस्टर्न घाट्स रिलेटिवलीयर एवरेज एलिवेशन जो है, तो का एवरेज कितना है? 900 से 1600 मीटर है the, uh, sorry, 900 से 1600 मीटर एवरेज हाइट है ईस्टर्न घाट जिनका एवरेज एलिवेशन 600 मीटर है ठीक महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स इन साउथ ईस्टर्न घाट जो है तो कहां से स्ट्रेच हो रहे हैं ठीक है ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी रिवर जो है महानदी रिवर

हाईएस्ट पीक अगर देखी जाए ईस्टर्न घाट की तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी जैसे अनाई मुडी वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाई मुडी. समझ गए महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी जिसकी हाइट कितनी है एक हजार पांच सौ एक मीटर हाईएस्ट पीक इधर हाईएस्ट पीक कितनी है दो हजार छह सौ पंचानवे मीटर ठीक है उसके अलावा शेवरॉय हिल्स जावेडी हिल्स ये कुछ प्रोमिनेंट हिल्स है जो कि साउथ में लोकेटेड है ईस्टर्न घाट के तो ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हो गया फिज आ, फिजिकल फीचर्स में हमने माउंटेन्स पढ़ लिए हिमालयन माउंटेन्स हिमालयन माउंटेन्स के साथ साथ में हमने क्या पढ़ लिया आ, नदन प्लेन्स और नदन प्लेन्स के साथ साथ में हमने पढ़ लिया नदन प्लेन्स के साथ साथ में हमने आ, जो डेक्कन प्लेटू वाला पूरा पार्ट है पेनन्सुला प्लेटू वाला पूरा पार्ट है वो पेनन्सुला प्लेटू वाला पूरा पार्ट पढ़ लिया ईस्टर्न घाट नहीं है बाबू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉर्डर है अभी जो जब तीसरा फिजियोग्राफिक फीचर बताऊंगा ना कोस्टल प्लेन चौथा जो फिजियोग्राफिक फीचर बताऊंगा मैं आपको डेजर्ट के बाद में आ, जैसे कोस्टल प्लेन की चलो बात कर लेते हैं मिनट के लिए इसको रोको जैसे ये हमारा पेनसुला प्लेटू स्पेसिफिकली डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट हो गया अब डेक्कन प्लेटू के बाद में क्या हो रहा है ये आपका ईस्टर्न घाट है ओ सॉरी ये वेस्टर्न घाट है सॉरी थोड़ा सा मुझे समझ ही नहीं बैठ रही ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट ठीक है ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट ठीक है अब क्या हो रहा है ना कि इधर रिवर्स आ रही है तो रिवर्स डेल्टा बनाती है तो इस कारण से जो कोस्टल प्लेन है कोस्टल प्लेन जो है तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड है ठीक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है तो वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कोई रिवर नहीं जा रही है वेस्ट में रिवर्स ड्रेन नहीं करेगी क्योंकि स्लोप इस तरफ है ठीक है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न घाट के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड नहीं है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड है क्योंकि रिवर्स वहां पे डेल्टा बना रही है ईस्टर्न घाट जो है तो ईस्टर्न घाट इज अवे फ्रॉम दी कोस्ट समझ गए ईस्टर्न घाट इज अवे फ्रॉम कोस्ट ईस्टर्न घाट इज अवे फ्रॉम कोस्ट घाट्स ही कह रहा हूं घाट्स तुम्हें घास सुनाई दे रहा क्या ठीक है क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं द इंडियन डेजर्ट अब आ जाओ चौथे फिजियोग्राफिक फीचर पे जिसका नाम है इंडियन डेजर्ट्स ठीक है इंडियन डेजर्ट की बात करें तो जैसे थार ठीक है थार इंडियन डेजर्ट हो गया फाइन अब इंडियन डेजर्ट की अगर हम बात करें तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स क्या हो रहा है कि ये हमारी अरावली हिल्स है जो मैंने बताया आपको राजस्थान में जो हिल्स है तो वो अरावली हिल्स हो गई अरावली हिल्स के चलो बताओ इतनी चैट ये अरावली हिल्स है अरावली हिल्स के ईस्ट में सेंट्रल हाइलैंड है तो यहां कौन सा प्लेटू एक प्रोमिनेंट प्लेटू ऑफ सेंट्रल हाइलैंड अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले फैक्ट्स गुरु बताओ क्या सुन रहे तुम्हारी ठीक है मालवा प्लेटू वेरी गुड ठीक है तो ये मालवा प्लेटू मालवा प्लेटू के वेस्ट में अरावली हिल्स और अरावली हिल्स के वेस्ट में ये सैंडी प्लेन ठीक है, ये, है? ये, है plain, ये क्या है सैंडी प्लेन पूरा रेत से भरा हुआ है ठीक है इट इज प्लेन कवर्ड विथ सैंडून्स सैंडून्स क्या होते हैं जो रेत के टीले होते हैं ना ये रेत के टीले ये रेत के टीले जो है तो ये पूरा राजस्थान रेतीला नहीं है ध्यान रखना राजस्थान में पानी मिलता है बहुत पानी मिलता है लोग ऐसा नहीं कि प्यास के मारे एकदम कंकाल की तरह घूम रहे ठीक है बस पॉइंट है कि राजस्थान के कुछ कुछ हिस्से में Desert, जिसे थार कहते, वो है, जहां पे आपको ड्यून्स मिलेंगी ठीक है दिस इज द सैंडी प्लेन कवर्ड ड्यून्स ध्यान रहेगा तो ये इंडियन uh, डेजर्ट का पार्ट होता है दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल ट mm mm हो जाती है ठीक है तो इसके लिए वहां पर आपको रेत मिलेगी मेजर एरिया जो है इस रीजन का इट इज कवर्ड बाई दी बार्चन वर दी बार्चन तो बार्चन क्या एक तरह से आप समझोगे तो बार्चन जैसे हवा चली हवा इधर से इधर चली

टीशन शेप सैंड्यून जो बने तो वो क्या कहलाते हैं वो बारचंस कहलाते हैं वो बारचंस कहलाते हैं तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आपको इस तरह के बारचंस देखने को मिलते हैं ठीक है ठीके? लूनी इज दी ओनली रिवर इन दिस रीजन और ये जो रीजन है बारिश कम होती है तो जैसे अगर आप देखेंगे कि आ, ये वाला पूरा अगर डेक्कन इंडियन डेजर्ट है तो यहाँ पे लूनी रिवर है तो लूनी रिवर फ्लो करती है बारिश के समय में पानी आता है लेकिन वो कभी समुद्र नहीं पहुंच पाती है मिडवे ही क्या हो जाती है ड्राई ऑफ हो जाती है तो ये लूनी रिवर इस रिवर, river, river ये लूनी रिवर 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 इज दी ओनली ओनली मेजर मेजर इन दिस रीजन ये हो गई ठीक है अब इसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो कोस्टल प्लेन की हम बात कर रहे थे मैंने आपको बता दिया था कोस्टल प्लेन अभी तो कोस्टल प्लेन आपका, आपका पांचवा मेजर फिजियोग्राफिक फीचर है तो कोस्टल प्लेन में क्या है वेस्टर्न घाट जैसे ये है वेस्टर्न घाट ठीक है और ये ईस्टर्न घाट हो गए आपके ईस्टर्न घाट डिसकंटीन्यूस है ठीक है तो वेस्टर्न घाट के और अरेबियन सी यहां है और यहां क्या है बे ऑफ बंगाल तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में ये जो रीजन है ये रीजन क्या कहलाता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है ठीक है ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये जो रीजन है ये वाला बीच ठीक है तो ये वाला जो पूरा कोस्टल रीजन जो है ठीक है ये क्या कहलाता है ये

कोंकण कोस्ट कहां से कहां तक लिखा है मुंबई से गोवा तक ये कोंकण कोस्ट हो गया आपका ठीक है फिर क्या है मलाबार स्ट्रेच कहलाता है ठीक है, के के कह है? है वो आपका मलाबार स्ट्रेच कहलाता है, कह है समझ गए पोल आएगा भी में पोल ठीक तो ये हो गया आपका क्या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको क्या देखने को मिल रहा है एक होता है नदन सिरकर जो ऊपर वाला हिस्सा है जो कह सकते हैं आप उड़ीसा वेस्ट बंगाल तक स्ट्रेच हुआ है है वो नदन सिरकर और एक नीचे वाला हिस्सा जिसे आप क्या कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला स्ट्रेच है ठीक है तो ये पूरा का पूरा कोस्टल प्लेन का स्ट्रेच है ठीक है कोस्टल प्लेन का स्ट्रेच है लास्ट फिजियोग्राफिक डिविजन पे आ गए अब हम एमसीक्यू सेशन होगा ना लास्ट में एग्जाम से पहले पोल सेशन तो होते ही रहते हैं ठीक है भाभर मतलब जो रीजन होता है तो जहां पे बोल्डर्स पाए जाते हैं वो भाभर रीजन होता है ठीक है जहां बोल्डर्स पाए जाते हैं वो भाबर रीजन कहता है जहां पे पेबल्स रहते हैं जहां पे स्ट्रीम डिस विच इज लाइन क्लोज टू दी अंडमान निकोबार आइलैंड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड के कंटेक्स में कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट आपको यह बताना है ठीक है

ठीक है ये मैंने शायद पॉल सेशन में भी दिया है डी क्या कि इक्वेटर के पास में लाई करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड तो ये आइलैंड पोलर क्लाइमेट कहां से ऑब्जर्व करेंगे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ठीक है यहां तो इक्विटोरियल क्लाइमेट होगा समझे कितने बच्चों ने सही आंसर दिया ए नहीं है अंडमान निकोबार आर बिगर इन साइज भैया डी इज द करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया मात्र ब... ये राओ दे राओ दे राओ। सिर्फ 20 प्रतिशत बच्चे सिर्फ 20 प्रतिशत बच्चों ने डी आंसर दिया है तुम मुझे पानी का बोलो ना पानी गिलास भरो सब और उस पानी के गिलास में डूब जाओ कम पड़ेगा सर है ना

लव यू दिगराज सर मुझे अपने स्कूल का सोशल साइंस बिल्कुल भी नहीं समझ समझ आता सिर्फ आपका समझ आता है फ्रॉम महाराष्ट्र लव यू टू आगे बढ़ते हैं तो अब जैसे अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमें क्या कहानी मिल रही है आगे बढ़ने पे हमें कहानी मिल रही है आइलैंड ग्रुप्स की आइलैंड ग्रुप्स हमारे दो आइलैंड ग्रुप है ठीक है दो आइलैंड ग्रुप कौन कौन से है एक है लक्षद्वीप आइलैंड दूसरा है अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप कौन सा है तो लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप की अगर बात करें तो दे आर लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला ठीक है तो ये आपका केरला है और केरला का ये वाला मालाबार कोस्ट है मालाबार कोस्ट के जस्ट बाजू में आपको यहां देखने को मिलेगा ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड ठीक है लक्षद्वीप आइलैंड जो है तो अर्लीयर देवर नोनस लकादीव मिनिकॉय ठीक है दीज आर दी ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर कंपोज्ड ऑफ कोरल ठीक है तो ये कोरल आइलैंड है ध्यान रखिएगा क्या है लक्षद्वीप आइलैंड जो है दे आर कोरल कोरल आइलैंड आइलैंड मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है जुक्स एंथले वो ऑर्गेनिज्मी के साथ में सिंबायोटिक रिलेशनशिप में आता है ये कंपोजिशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं तो जब ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक सिंबायोटिक रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कोरल रीव बनती है कोरल रीव मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो कोरल रीफ जो रहती है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है

इट कवर्स अ स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर पूरा आइलैंड छोटे छोटे थर्टी स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं मेजर आइलैंड ग्रुप जो है इसमें वो है कावरती और कावरती ही इस यूनियन टेरिटरी का हेडक्वार्टर है कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप ठीक है ये हो गया आपके लक्षद्वीप आइलैंड अब आ जाओ ईस्टर्न एंड पे ईस्टर्न एंड पे जैसे अगर आप आओगे तो ईस्टर्न एंड पे आपको चेन ऑफ माउंटेन देखने को मिलेगी जो समर्स्ड है अंडर दी जैसे अगर ऐसा भी कहा जाता है क्या है कि ऊपर से ये पूर्वांचल रेंज जो है ना तो वही पूर्वांचल रेंज सबमर्ड है सो पूर्वांचल रेंज सबमर्ड है ऐसे समझो जैसे इधर देखो दो मिनट के लिए हाँ जैसे क्या हो रहा है कि ये पूर्वांचल माउंटेन रेंज है तो ये पूर्वांचल माउंटेन रेंज के बाद में यहां से समुद्र आ गया ये ठीक है ये समुद्र आ गया येलो ये कलर में समुद्र आ गया तो अब जो माउंटेन छोटे थे वो तो डूबे रह जाएंगे जो बड़े हैं तो ऊपर दिखेंगे बड़े दिखेंगे आइलैंड के फॉर्म में ठीक है जो माउंटेन बड़े हैं वो आइलैंड के फॉर्म में दिखेंगे ठीक है समुद्र से ऊपर है ना तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड इज बिलीव टू बी सबमर्ज पार्ट ऑफ पूर्वांचल माउंटेन या हिमालयन माउंटेन सिस्टम ठीक है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है तो अंडमान निकोबार आइलैंड की अगर बात की जाए तो अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है तो दे आर एलोंगेटेड चेन ऑफ ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन बे बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ठीक है ऊपर नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज़ अंडमान नॉर्थ में निकोबार साउथ में तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है तो उनकी कहानी ऐसी है कि जो ऊपर नॉर्थ के अंडमान आइलैंड कहा जाता है और जो साउथ के उन्हें निकोबार आइलैंड कहा जाता है ठीक है मल्टीपल ग्रुप ऑफ है इट इज बिलीव दैट आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन मरीन माउंटेन्स तो वही जो डूबे हुए माउंटेन्स है उनका एलिवेटेड पार्ट है दीज आइलैंड लाइक क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्विटोरियल क्लाइमेट अभी क्वेश्चन में गोता खा गए थे तुम इक्विटोरियल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करते हैं थिक फॉरेस्ट कवर है भूगोल की नियमित कक्षा कब से शुरू करेंगे सोशल ब्रेन पर कहां पे? मतलब क्या होता है बाबू? नियमित कक्षा शुरू ही हो गई है लगभग अब हम हैं हमारे चैनल से और पढ़ाई है और क्या है ठीक है तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये इक्विटोरियल एक क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं थिक फॉरेस्ट कवर होता है ठीक है चालीस रुपये का नेक मेरे लिए ठीक है, है। क्लियर हो गया प्रियांशु शर्मा आगे बढ़ते हैं तो अब हम जैसे देखिए तो हमने आज क्या क्या पढ़ा वो रिकैप करते हैं हमारी क्लास का टाइम भी अब यहाँ पे खत्म करेंगे अपन ठीक है आ जाओ जरा कल हाफ ईयरली एग्जाम है मुझे क्या नर्व्स में प्रॉब्लम है इधर तो कभी कभी तो तर्रा देती है वो तर्रा देती समझते हो कि एकदम से वो पेन उड़ जाता है तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो उसका कुछ करना पड़ेगा चलो तो अब अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम क्या करते हैं एक बार पूरा रिकैप करते हैं ठीक चलिए आइए मूवमेंट थोड़े स्लो रखना होंगे तो बाकी रेस्ट इट इज फाइन हमने चैप्टर स्टार्ट किया हिमालयन माउंटेन से फटाफट दो मिनट में रिवाइज करवा तीन माउंटेन रेंजेस है हिमाद्री हिमाचल हिमाद्री है तो सेडिमेंट से बनी हुई है उसके पैरेलल में जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है आपको नदन प्लेन देखने को मिल जाता है नदन प्लेन मल्टीपल कह सकते हैं सब डिविजन ऑन ऑफ फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर भावर तराई भांगर खादर ठीक है उसके अलावा रिवर्स के हिसाब से जैसे देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल जाता है पंजाब हिमालय देखने को पंजाब प्लेन देखने को मिल जाते हैं गं, आ, गंगा प्लेन देखने को मिल जाते हैं और ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिल जाते हैं हिमालयस को भी ऐसे रिवर के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो ठीक है कश्मीर हिमालयस ठीक है कश्मीर हिमालयस के बाद में आपको माउ हिमालयस नेपाल हिमालयस और आसाम हिमालयस के फॉर्म में ठीक है अब ये दो स्ट्रक्चर के बाद में हमने तीसरा स्ट्रक्चर क्या देखा था

ठीक है फिर आप जैसे देखोगे तो साउथ में डेक्कन प्लेटू है, जो है तो दी में आपको ईस्ट तो में बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती चली जाती है ठीक है ये हो गया आपका डेक्कन प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड दोनों चीजें दोनों चीजें मिलके क्या होती है पेरेंसुल्लैटू बनाती है पेनिनसुला प्लेटू के बाद में जो अरावली हिल्स है अरावली हिल्स के वेस्ट में आता है इंडियन डेजर्ट इंडियन डेजर्ट में लूनी इज वन ऑफ द मेजर रिवर ठीक है बास इज फिजियोग्राफिक फीचर विच इज फाउंड ओवर देयर सैंडी एरिया है सैंड ड्यून्स बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी रेनफॉल लो होती है सैंडी स्ट्रक्चर है ठीक है उसके बाद में आता है कोस्टल प्लेन तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दो कोस्टल प्लेन है ठीक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉड है वहां पे डेल्टास बनते हैं बहुत सारे और ईस्टर्न माउंटेन रेंज जो है उससे जुड़ी हुई ईस्टर्न रेंज वो डिसकंटिन्यूस है लॉफ्टीस्ट नहीं है ठीक है वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो कंटिन्यूज है थोड़े से ऊंचे हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द ईस्टर्न घाट हाइएस्ट पीक इधर अनाईमुडी इधर महेंद्रगिरी ठीक है वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करें आप कोस्ट की अगर बात कर करें तो कोस्टल प्लेन में आपको क्या देखने को मिल रहा है ऊपर की तरफ कोरोमंडल कोस्ट है सेंट्रल में कन्नड़ कोस्ट है नीचे मलाबार कोस्ट है ठीक है इधर नदन सिरकर और कोरोमंडल कोस्ट है दो आइलैंड ग्रुप है इसके बाद में हमारे तो जो दो आइलैंड ग्रुप है उसमें एक मालदीव है ठीक है मालदीव नहीं है लक्षद्वीप है मालदीव तो लोग घूमने जाते हैं ठीक है फिर क्या है जैसे अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप एक

अब लास्ट में अगर बोले कि इतनी डायवर्सिटी होने का फायदा क्या सर ठीक है इतनी डायवर्सिटी होने का फायदा क्या तो अब आपको एक पॉइंट यह भी ध्यान रखना कि यहां क्वेश्चन बनता है क्या क्वेश्चन बनता है ठीक है नोट्स भेजूंगा ना नोट्स बस क्लास के बाद में इतनी ये जो डायवर्सिटी आपने देखी फिजिकल फीचर में इतनी डायवर्सिटी होने का एक फायदा है कि जैसे नदन माउंटेन जो है तो नदन माउंटेन का फायदा यह कि फॉरेस्ट की वेल्थ है वहां वहां पे सोर्स ऑफ वाटर है है से नदियां उतर के आती बहके आ जाती फ्रेश वाटर मिल गया ग्लेशियर से फॉरेस्ट है फॉरेस्ट मिनरल्स मिल गए ठीक है नदन माउंटेन्स का नदन प्लेन एरिया जो है तो नदन प्लेन इज एक्ट एज द्रीनरीज फॉर कंट्री जो नदन प्लेन है वहां खेती होती है पूरी पूरे देश के लिए वहां से उपज प्रोड्यूस होती है ग्रेन प्रोड्यूस होता है दे प्रोवाइड बेस फॉर अर्ली अर्ली सिविलाइजेशन 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 और इंडस वैली की बात करें तो अर्ली प्लेन एरिया पे हुआ ना पहले लोग माउंटेन पे रहने नहीं गए पहले जहां पे इजी लिविंग कंडीशन थी प्लेन एरिया में लोग पहले बसे प्लेटू इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स अब जो प्लेटू रीजन है तो प्लेटू रीजन किस काम का इट इज स्टोर हाउस ऑफ मिनरल विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन दी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्लेटू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता प्लेटू वाला रीजन क्यों? क्योंकि उस प्लेटू वाले रीजन से मिनरल्स मिल रहे हैं। आपको हमें समझ गए तो वही माउंटेन्स मेजर सोर्स ऑफ एक बार रिकॉल करते हैं फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ नदन प्लेन्स ग्रेनरीज की तरह काम करते हैं जहां से अपने को खाने पीने के लिए फसल मिल रही है प्लेटू मिनरल्स का स्टोर हाउस बनते हैं और कोस्टल रीजन जो है तो वो मछली और पोर्ट एक्टिविटीज के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं दिस वॉस होल स्टोरी बताओ भाई साहब मजा आया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना टीम जहां पे, जहां पे मैं आपको नोट्स दे दूंगा आर थिंग्स क्लियर क्लियर ज्योग्राफी के पॉइंट्स याद कैसे करें याद क्यों करना है विजुअलाइज करो कहानी यहां होती है समाप्त आज का चैप्टर खत्म हुआ ठीक है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जस्ट क्लास के बाद दस चैप्टर धुआं धार तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन डेजर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है हाँ ये बात भी सही है सर सबका बता दिया डेजर्ट का नहीं देखो डेजर्ट का भी सिग्निफिकेंस यह टाइप ऑफ वेजिटेशन एक टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ विच इज स्पेसिफिकली फाउंड इन डेजर्ट रीजन वो आपको कहा देखने को मिलेगा इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलेगा नहीं दिल्ली में नहीं रहता हूं, मैं भोपाल में रहता हूं बताओ मैप कौन से चैनल पर है मैप कौन से चैनल पर अभी लेटेस्ट मैप मैंने चैप्टर टू का करवाया सोशल स्कूल सर्च कर लो सोशल स्कूल पे लाइव में जाके देखो कि मिल जाएगा लाइव वाले सेक्शन में जाके देखना ठीक है अभी ताजा ताजा करवाया है एक साथ सारे मैप सत्ताविस अट्ठाईस तारीख को करेंगे हम ठीक है लॉन्गिट्यूटनल वैलीज लाइंग बिटवीन शिवालिक एंड हिमाचल आर नोन डून लो वेजिटेशन होता है हां डेजर्ट एरिया में वाई डेजर्ट रिसीव लेस रेनफॉल क्योंकि आप देखेंगे तो माउंटेन जो इंडियन मानसून है ना इंडियन मानसून वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है ठीक है और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच पार्टी आप सभी लोग मुझे दे सकते हैं बिल्कुल मना नहीं बोलूंगा वी आर अ फैमिली ऑफ हंड्रेड के हंड्रेड थाउजेंड पीपल ऑन आर चैनल द सोशल ब्रेंस यहां पे भी हम बहुत जल्दी फाइव हंड्रेड के होंगे आई होप सो ठीक है सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है किस किस चीज की पार्टी तू यार इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं तुम्हें पार्टी ठीक है चलो खत्म करें कहानी ठीक है अस एंड दिस सेशन विल सी यू ऑल टुमारो कल मिल रहे हैं आठ पैंतालीस तब तक अपना ध्यान रखो एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं साइनिंग ऑफ दिस टुगेदर वी कैन वी विल